वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत ही स्पेशल होने वाला है क्योंकि आज का जो सेशन है वो टीचर्स डे स्पेशल सेशन है। और आज के सेशन में मेरा जो ट्रेडिंग सेटअप है या जिस सेटअप के ऊपर मैं ट्रेड करता हूँ उसी सेटअप को रिवील करने जा रहा हूँ। तो जिनको भी ट्रेडिंग सीखना है उनके साथ आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं ताकि वो भी अपने ट्रेड के निर्णय सही तरीके से ले सकें। तो इसको डीप में समझने के लिए हम स्क्रीन पे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले मेरी तरफ से एक अनाउंसमेंट है जो टीचर्स डे स्पेशल है। इसमें जो हमारा 7200 का कोर्स है वो मात्र 2200 रुपए पे अवेलेबल रहेगा, वो भी एक हफ्ते के लिए। तो जिनको भी पूरे कोर्स को एनरोल करना है और 1-to-1 मुझसे सीखना है वो चाहे तो कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर 1 वीक के लिए वैलिड रहेगा। इस सेशन में हम समझेंगे कि बैंक निफ्टी में हम अपने ट्रेड के निर्णय कैसे ले सकते हैं। तो बैंक निफ्टी में ट्रेड का निर्णय लेने के लिए हमने सिंपल टूल का कॉम्बिनेशन यूज किया हुआ है। तो एक टूल है डेज ओपन बाय आस्क दिनेश कुमार और दूसरा है CPR। इन दोनों को कंबाइन करके किस तरीके से हम अपने ट्रेड के निर्णय ले सकते हैं इसको समझेंगे। तो ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, इसमें हम सबसे पहले डेज ओपन वाला ट्रिक लगा लेते हैं। तो ये टूल हमारा है डेज ओपन का। तो डेज ओपन के ट्रिक के हिसाब से अगर कोई कैंडल करंट डे ओपनिंग लेवल के नीचे में स्ट्रांग बेरिश कैंडल बनाता है तो प्राइस नीचे की ओर मूव होने की संभावना होती है। तो ये डेज ओपन का ट्रिक है। तो इसको अगर हम पीछे भी बैक टेस्टिंग करें तो जैसे करंट डे ओपनिंग का लेवल ब्रेक होता है तो ऊपर की ओर प्राइस मूव हो जाता है और जब नीचे की ओर ब्रेक होता है तो नीचे की ओर मूव हो जाता है। तो ये टूल हमको काफी हेल्प करता है। इस टूल के बेसिस पे अगर आपको ट्रेड का निर्णय लेना है तो एक सिंगल कैंडल जो भी इसको ब्रेक करता है जिस डायरेक्शन में उसका उसी कैंडल का जो टॉप है या प्रीवियस स्विंग हाई है उसी का स्टॉप लॉस लगा के आप पोजिशन को कैरी ओवर कर सकते हो और जब भी आपका स्टॉप लॉस हिट होगा तो आपका बहुत छोटा नुकसान होगा और जब भी टारगेट मिलेगा आपको बहुत बड़ा टारगेट मिलेगा। तो आप इसको बैक टेस्टिंग करेंगे तो आप देखेंगे कि ये लाइन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इस लाइन के बेसिस पे भी आप ट्रेड का निर्णय ले सकते हैं। तो जो ऑप्शन सेलर है वो तो सिर्फ और सिर्फ इसी टूल को भी यूज करे तब भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बना सकते हैं। बायर के केस में है कि उनको बीच बीच में प्रॉफिट बुक करना है क्योंकि बाइंग जो लेवल होता है उसमें कई बार कंसोलिडेशन होता है तो कंसोलिडेशन में प्रीमियम डीके होने की संभावना होती है। तो ये टूल तो हो गया कि हमारा करंट डे ओपनिंग का। अब इसके साथ हम हमारा CPR सेटअप लगा लेते हैं। तो CPR सेटअप ये हमने लगा लिया। अब CPR सेटअप के हिसाब से जो हमारा CPR ट्रिक है तो CPR ट्रिक में अगर प्राइस R1 प्रीवियस डे हाई के बीचों बीच ओपन होता है और वो अगर नीचे की ओर ब्रेक कर देते हैं बेरिश कैंडल तो हमारा पहला टारगेट CPR रहता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सेकेंड कैंडल ने नीचे की ओर ब्रेक कर दिया है तो हमारा टारगेट CPR लेवल रहा। अब CPR के ऊपर जब बुलिश कैंडल बनता है तो टारगेट हमारा R1 प्रीवियस डे हाई हो जाएगा। तो ये अभी मार्केट रनिंग में है तो संभावना यही है कि ये R1 प्रीवियस डे हाई लेवल को टच कर दे। तो हमारा अगर एंट्री होता तो जब भी ये कैंडल CPR के ऊपर क्लोज किया है तो हमारा बाइंग साइड में एंट्री हो जाता है या पुट सेलिंग में एंट्री हो जाता है और टारगेट हमारा जब R1 प्रीवियस डे हाई को मीट कर जाएगा तब हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो हमको इस तरीके से ट्रेड करना है। तो ये बहुत ही सिंपल कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन को आप यूज करते हो डेफिनेटली आप एक सफल ट्रेडर हो जाएंगे। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि किस तरीके से आप करंट डे ओपनिंग और CPR के कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हो और किस तरीके से आप अपने ट्रेड प्लान कर सकते हो। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।